जोगिंदर बोल। बॉस काम हो गया, शिकार हमारे कब्जे में है। वहाँ फिर आके बात क्यों कर रहा है? सीधे सीधे पता शिकार को तो उठाया ना तुमने, वही है ना? अरे बॉस, आपने जिसको कहा था हमने उसी को उठाया है। और आपने तो कहा था कि उसका नाम नहीं लेना। और उसके सामने आपका नाम नहीं लेना। और अगर आप फिर भी बोलती हो तो मैं उसका नाम बताता हूँ। उसका नाम है देविका। हमने देविका को अगवा कर लिया है। सुन, जो एड्रेस मैंने भेजा ना उस गोडाउन का, वहीं पहुंच जा सीधा। यस बॉस, हम गोडाउन पहुंच के आपको कॉल करते हैं और डिटेल्स में पूरी बातें बताते हैं। किसके आदमी हैं ये लोग? फिर ये मेरा पुराना नाम कैसे जानते हैं? इसका मतलब ये किडनैप अंबिका का नहीं, देविका का हुआ है। रवि मेरे घर से इन गुंडों से बात नहीं कर सकता, वो तो मुझे देविका साबित करने की कोशिश में। निवेदिता, वो तो मुझे अंबिका ही मानती है। देविका! I am sure कि कोई और नहीं, ये साकेत का ही काम है। मुझे साकेत ने किडनैप करवाया है। वही था उस पार्किंग में जो देविका देविका चिल्लाकर मेरे पीछे आ रहा था। वाह साकेत, क्या किस्मत पाई है। देविका को पाने के लिए तूने क्या क्या नहीं किया था। उसमें स्लूथरा का भी साथ दिया था देविका को मारने के लिए। लेकिन देख, किस्मत तेरा साथ दे रही है, तेरी देविका वापस आ गई है। तो क्या हुआ अगर अब उसने अपना नाम बदल दिया तो? लेकिन है तो तेरी देविका और उसकी वो नकली माँ। क्या झटका लगेगा जब उसको ये पता चलेगा कि उसकी नकली बेटी किडनैप हो गई है। और उससे भी बड़ा झटका तब लगेगा जब उसे ये पता चलेगा कि उसकी नकली बेटी की शादी मेरे साथ हुई है। हो सकता है उसका फोन खराब हो गया, लेकिन मेरे मिस कॉल देखने के बाद मुझे कॉल बैक तो कर सकती थी ना। मुझसे बात करती, गुस्सा करती, लेकिन एक बार फोन तो करती। काम करता, वापस ट्राई करता। उसे मिले बिना मैं जाऊंगा नहीं यहाँ से। बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए मुझे, लेकिन क्या मैं कबूल करवा पाऊंगा कि वो अंबिका नहीं मेरी देविका? क्या वो इस बात को मानेगी? इतने सारे सवाल है मेरे, वो समझ क्यों है कि मैं कितना तड़प रहा हूँ? क्या करूँ मुझे? राजन से बात करता हूं। रवि, लगता है मेरी बेटी अंबिका किसी मुसीबत में है। शायद इसका किडनैप करने वाला है। What? पी रखी है क्या? दिखाई नहीं देता तुम लोगों को? चैट, अब कौन भरपाई करेगा इसकी? थेला थेला कर जगह पे 5000 की सब्जियां थी और ऊपर से तुम लोगों ने मेरा थेला भी तोड़ दिया, उसका हर्जाना आप लोगों को भरना पड़ेगा। एक काहे के पैसे? हां काहे के पैसे, तेरा थेला गलत जगह पे था, समझा ना? कोई पैसे नहीं, चल निकल। ये क्या जबरदस्ती है, मैं पुलिस के पास जाऊंगा। अभी जा, पुलिस के पास जा। बिल्कुल भी शायद पत्नी नहीं, चुपचाप बैठे रहना गाड़ी में। अरे ये क्या बदतमीजी है? हाँ तुझे बोला ना पैसा नहीं मिलेगा तुझे। डाल दूंगा अगर मुझसे आवाज निकली तो। मैंने बीच में ठेला लगाता है और पैसा मांगेगा। अबे तुम्हारी पकड़ उसको।
छोड़ दीजिए उसे, वो मेरी बेटी कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? कौन है? रुक जाइए। पता नहीं कौन है ये तो, और मेरी दीपिका को कहाँ लेकर जा रहे हैं? बेचारी चाची कितनी परेशान हो गई होंगी मुझे ऐसे देखकर, पता नहीं उन पर क्या बीत रही होगी। लेकिन मैं भी क्या करूँ, अकेले इन तीन तीन गुंडों का मुकाबला नहीं कर सकती मैं। सॉरी चाची, आपकी लाड़ों ने आपको दुख के सिवा कभी कुछ नहीं दी, मुझे माफ कर दो। वो अंबे भाता के मंदिर गई थी, वहीं से उसका कॉल आया, मेरी बात हुई उससे और उसने कहा कि कुछ गुंडे टाइप के लोग उसके पीछे पड़े, शायद उसी को ढूंढ रहे। मैं बस निकलने वाली थी, मैंने उसका मिस कॉल देखा तो उसे फोन ट्राई कर रही हूँ तब से, अब उसका फोन अनरीचेबल आ रहा है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। कौन से मंदिर में गई वो? वो बस स्टैंड के पास अंबे माँ का पुराना वाला मंदिर है ना, वहीं पर। हाँ तो हमें जल्दी निकलना चाहिए, एक एक मिनट हमारे लिए बहुत कीमती है, चलिए चलिए। हाँ मैं वो पुलिस को इन्फॉर्म कर। अरे नहीं नहीं, पुलिस को इन्फॉर्म मत कीजिए, अगर पुलिस को इन्फॉर्म किया तो जानो खतरा हो सकता है, राइट? हाँ चलिए चलिए। अच्छा अच्छे से समझ लो मैडम, जितनी भी कोशिश करनी थी भागने की कर ली, इस बार गलती से भी गलती मत करना। देखिए आप लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, किसके कहने पर? आपको क्या लगता है हा? आप पूछेंगे और हम अपना मुंह खोल देंगे? किडनैपिंग के धंधे में बेईमानी नहीं करती, और जिसको हमने किडनैप किया ना उसके सवालों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते। देखो ठीक है, अगर अगर नहीं बताने की किसने किडनैप किया तो मत बताओ, लेकिन जितने तुम्हारे बॉस तुम्हें पैसे दे रहे हैं ना ये काम करने के, मैं उससे कहीं ज्यादा पैसे दूंगी तुम लोगों को। हमें हमारे बॉस ने बताया नहीं, क्या बड़ी चालाक हो, बड़ी हिम्मत है आप में, हम जैसे शातिर बदमाश को रिश्वत देने की कोशिश कर रही हो। देखो मैं जो बोल रही हूँ ना सच कह रही हूँ, तुम लोगों को शायद पता नहीं है मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं बहुत पैसा दूंगी तुम लोगों को, 5 करोड़ 10 करोड़ जितना खाओगे उतना दूंगी, और पैसे क्या मैं तुम्हें इज्जत की नौकरी दूंगी, ये खतरनाक काम तुम्हें फिर कभी नहीं करना पड़ेगा। देखो मैं तुम्हें बहुत पैसे। मैडम माना कि आप हमें रुपया पैसा नौकरी सब कुछ दोगी, उस पैसे का उस इज्जत की नौकरी का हम क्या करेंगे, हा? क्या करेंगे हम, जब जिंदा रहेंगे तब ना। क्या मतलब है? मतलब कि राम नाम सत्य हो जाएगा हमारा, और जब मर गए तो नौकरी और पैसे का क्या अचार डालेंगे? आप जानते नहीं है मैडम, हमारा बॉस शैतानों का बाप है बाप, अगर हमने साथ गद्दारी की तो कसाई की तरह हमें गला काट देगा, हम दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं हमें ढूंढ निकालेगा वो, हमारे बीबी बच्चों को भी मार देगा वो, समझी? तो लाला जिना बंद करो, और आप परेशान मत हो, हमारा बॉस खुद तड़प रहा है आपसे मिलने के लिए, और जल्दी वो आपसे मिलने आएगा। इसका मतलब जो भी तुम लोग का बॉस है वो कोई आदमी है ना? तुम लोग का बॉस एक आदमी है ना? एक काहे को जनानी के साथ नोड़ जाए, बड़ी चालाक बंदी हो जाना, बातों ही बातों में राज की बात निकल जाती है मुझसे, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, खामखा मुझसे मत फंस जाएंगे हम लोग। नहीं बोला तूने, अभी इसका मुंह बांध। नहीं हाथ पकड़। नहीं आपके लिए आलीशान कमरा तैयार है। अपनी जान की सलामती चाहती हूँ तो शांति से चुपचाप इस कुर्सी में बैठ लो, और अपनी होशियारी ना अपने पास ही रखना, समझ में आया? पहली बात तो ये कि यहाँ से तुम भाग तो सकती नहीं, और दूसरी ये एक भी बार तुमने होशियारी दिखाने की कोशिश की ना तो इस बार यहाँ से तू नहीं तेरी अर्थी जाएगी। और हाँ इसे मेरी कोरी धमकी मत समझना, मैं तुझे जान से मार दूंगा और तेरी लाश उठा के बॉस के पास भेज दूंगा, समझ में आया?